हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मैं मंतोष विश्वकर्मा अपने चैनल्स करंट हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो है विलियम वर्डवर्थ का एजुकेशन ऑफ द नेचर, प्रकृति के बारे में विलियम वर्डवर्थ ने लिखा हुआ है। वैसे हम सभी जानते हैं कि विलियम वर्डवर्थ प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी थे और वैसा वर्सी पर अभी तक देखा नहीं गया। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है सिर्फ प्रकृति के बारे में, प्रकृति को संबोधित करके, प्रकृति ने हमें दिया क्या, प्रकृति के हम गोद में कैसे रहते हैं, प्रकृति हमें क्या देती है, कैसे खिलाती है, कैसे पालती है, सिर्फ विलियम वर्डवर्थ ने यही हमको बताया है। उन्होंने बहुत सारे पोएट्री लिखे, बहुत अच्छे खूबसूरत पोएट्री लिखा उन्होंने। और हमारे बीच में उन्होंने दिया है एजुकेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति की शिक्षा है, उसी को हम लोग देखेंगे और उसी को पढ़ेंगे कि इस कविता में, इस पोयम में विलियम वर्डवर्थ ने क्या बताया है, क्या कहा है। और इसमें उन्होंने एक लूसी नाम की लड़की है, यूं समझ लीजिए एक लीली, उसी का उन्होंने प्यार से लूसी नाम दे दिया है। और लूसी इस प्रकृति में आती है, कितनी अच्छी से रहती है और कितने जल्दी उनको छोड़ के चली जाती है, इन्हीं के बारे में उन्होंने हर एक लाइन में डिस्कस करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि लूसी को वो कैसे पालेंगे, कैसे रखेंगे, क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या नहीं सिखाएंगे। इन सारे बातों से हम लोग जानकारी रखेंगे इस जब लाइन बाय लाइन पोएट्री को देखेंगे। तो आइए हम समय ज्यादा न लेते हुए सीधे पोएट्री की तरफ चलेंगे और वन बाय वन लाइन को देखेंगे और मीनिंग, स्पेलिंग्स और हर एक चीजों को बहुत बारीकी से देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करें पोएट्री। विलियम वर्डवर्थ जो नेचर के, प्रकृति के बहुत बड़े वर्शिपर थे, पुजारी थे, उन्होंने इस पोएट्री में क्या क्या हमें बताने की कोशिश की है, क्या क्या समझाने की कोशिश किया उन्होंने। तो आइए हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। एजुकेशन ऑफ द नेचर, उन्होंने इस नेचर के एजुकेशन को कैसे बताया है। तो विलियम वर्डवर्थ, एक मैं यहां बना दूं ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। इनका नाम लूसी रहता है। और इन्हीं के बारे में विलियम वर्डवर्थ ने सारी बातों को रखा है, हर एक लाइन इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत बना दी हमने, आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं नहीं हंसेंगे। तो विलियम वर्डवर्थ ने कहा है 3 ईयर्स, 3 सालों तक, ये जो है 3 सालों तक, सी ग्रीव, ग्रीव इस बढ़ना, बड़ा होना, बढ़ना, इन सन, सूर्य में, सूर्य का मतलब है सूर्य की धूप में, रोशनी में, एंड सुवर, बरसात में, वर्षा में, 3 ईयर्स, 3 सालों तक, सी, विलियम वर्डवर्थ का कहना है कि 3 सालों तक सी, एंड सी इन्हीं को कहा गया है, लूसी को कहा गया है, ग्रीव बढ़ती है, सन एंड सोअर, सूर्य की धूप में चिलचिलाती हुई धूप, जो मार्च अप्रैल मई जून जो भी महीना हो, उन 3 सालों में, और 3 सालों में जो भी ठंडी हो, बरसात हो, एनी मौसम हो, कोई भी वेदर हो, कोई भी ऋतु हो, उन 3 सालों में खूब धीरे धीरे अच्छे से बढ़ती है।
विलियम वर्डवर्थ का कहना है कि लूसी 3 इयर्स 3 सालों तक सी ग्रीव इन सन एंड सोअर, सूर्य की धूप में या बरसात में या ठंडी में 3 सालों तक ये बढ़ती हैं, तब जाके देन तब तब जाके 3 साल बढ़ने के बाद नेचर सेट प्रकृति, अब यहां हम लिखेंगे प्रकृति सेट बोले 3 वर्ष ये बढ़ी पली धूप में गर्मी में ठंडी में बरसात में हवा में एनीथिंग्स एनी नेचर में, तब जाके प्रकृति द्वारा यह बोला गया, प्रकृति ने बोला ए लवलियर फ्लावर ए प्यारा फूल, लवलियर मीन्स प्यारा, प्यारा फूल, अब मैं यहां बना दू देन नेचर सेट, तब जाके प्रकृति ने बोला ए लवलियर फ्लावर एक प्यारा फूल ऑन अर्थ पृथ्वी पर वाज नेवर सोन, सोन मीन्स सीन, सीन मीन्स सी देखा जाना या देखा गया, नेवर मीन्स कभी नहीं, अर्थ मीन्स पृथ्वी आप जानते ही हैं। प्रकृति का कहना है कि लवलियर फ्लावर प्यारा फूल ऑन अर्थ पृथ्वी पर वाज नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, सोन, सोन मीन्स सी यानी देखा गया, यानी इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी देखा नहीं गया। प्रकृति का कहना है कि लूसी जैसा कोई और अन्य लेडी यानी कोई और बच्ची जो इतनी सुंदर है पृथ्वी पे कभी दिखाई नहीं दी, ना ही कभी दिखाई देने का मौका मिला, यानी पैदा ही नहीं हुई, इतनी सुंदर थी लूसी। नेचर का कहना है, प्रकृति का कहना है, यह बता कौन रहा है, विलियम वर्डवर्थ का द्वारा बताया जा रहा है कि प्रकृति ने कहा कि इतनी सुंदर फूल कभी नहीं देखा गया, यानी लूसी जैसा सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल देखा नहीं गया। फिर प्रकृति का कहना है, प्रकृति कह रही है दिस चाइल्ड इस बच्ची को एनी लूसी को आई आई मिस नेचर, आई मिस नेचर, प्रकृति प्रकृति कह रही है कि इस बच्ची को माई सेल्फ स्वयं विल टेक एनी मैं स्वयं लूंगी, इस बच्ची को मैं स्वयं लूंगी पालूंगी पोसूंगी और बड़ी बनाऊंगी। प्रकृति द्वारा कहा जा रहा है कि इस बच्ची को स्वयं मैं लूंगी क्योंकि इतनी सुंदर फूल कभी हमने देखा नहीं, ना ही पृथ्वी कभी देखने का मौका मिला। फिर सी का मतलब है लूसी, सी यानी लूसी शैल बी माइन, माइन मिस मेरी, प्रकृति का कहना है कि लूसी मेरी हो जाएगी, यानी प्यारी जो बच्ची है ये प्यारी जो बच्ची है यह किसकी हो जाएगी, प्रकृति की, यानी मेरी हो जाएगी, प्रकृति का कहना है कि मेरी हो जाएगी, एंड आई विल मेक आई मिस मैं मिस प्रकृति, प्रकृति का कहना है एंड आई विल मेक, प्रकृति कह रही है कि मैं बनाऊंगी ए लेडी ऑफ माय ओन, यानी मैं अपने तरीके से एक सुंदर स्त्री एक सुंदर लेडी मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, स्वयं मैं उसको अपना लूंगी, यानी मैं इसको इस लूसी को अपनी बच्ची मान लूंगी और बच्ची मान के उसको पालूंगी उसको पोसूंगी उसको बड़ी बनाऊंगी और एक सुंदर स्त्री का रूप दूंगी। तो फ्रेंड्स मुझे यही लगेगा कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा ये जो 6 लाइन है, और मैं आपको काफी अच्छा से बारीकी से बताने की कोशिश किया हूँ और हर एक मीनिंग आपको बताया गया है। यदि आप कॉपी वगैरह लेके बैठे और लिखें और बुक्स के साथ इस वीडियो को देखें तो आपको फिर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अगले लाइन को देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने नेचर के द्वारा जो बात कही जा रही है उसको किस भाव में किस अंदाज में बोल रहे हैं इसी को हम देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलें। सो फ्रेंड अगले स्टेंजा को हम देखेंगे और इसमें विलियम शेक्सपियर ने
जो प्रकृति द्वारा कही जा रही बात है उसको कैसे अपने शब्दों में इस पोएट्री में रखा है, इसी को हम देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति उसको कहाँ 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 घुमाएगी, क्या क्या सिखाने की कोशिश करेगी। तो अब लाइन बाय लाइन देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दो या तीन स्टेंजा बनाएंगे और फिर डालेंगे। तो उम्मीद है कि हर स्टेंजा आप लोग देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। तो आइए पोएट्री को देखते हैं। तो एजुकेशन ऑफ नेचर विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज की गई पोएट्री है। इसमें प्रकृति और लूसी और वर्डवर्थ द्वारा कही गई बातों को प्रकृति और लूसी के बारे में ही कही गई है। तो विलियम शेक्सपियर नेचर की बात को किस तरह कह रहे हैं, नेचर की बातों को कह रहे हैं कि माय सेल्फ विल टू माय डार्लिंग बी, डार्लिंग इज प्रिय, यहाँ पुत्री को कह सकते हैं पुत्री या प्रिय, ये लूसी के लिए ही कहा गया है। Myself, मैं स्वयं, will to my darling भी, मैं अपनी पुत्री को स्वयं लूंगी यानी स्वयं पालूंगी लूंगी। Both law and impulse, प्रकृति के नियमों को सिखाऊंगी, प्रकृति की जो नियम है, जो प्रकृति की नियम कानून है उसको मैं बिल्कुल उस नियम और भावनाओं को सिखाऊंगी, प्रकृति की भावनाओं और नियमों को सिखाऊंगी। ला एंड इम्पल्स का मतलब प्रकृति की नियम या भावनाएं, बोथ दोनों, ला मीन्स नियम और इम्पल्स मीन्स जो उसकी भावनाएं हैं उसको सिखाऊंगी। मैं प्रकृति स्वयं कह रही है कि मैं अपने बच्ची को लूंगी और लेने के बाद ला भी इम्पल्स भी सिखाऊंगी। एंड और विथ मी और वह मेरे साथ यानी लूसी मेरे साथ, प्रकृति का कहना है कि लूसी मेरे साथ, द गर्ल वह बच्ची यानी ये लूसी को कह रहे हैं और प्रकृति कह रही है लूसी को, गर्ल इन रॉक पर्वतों पे चलेगी, वहां घूमेगी एंड प्ले और समतल भूमि पे भी घूमेगी चलेगी, अर्थ पृथ्वी पे भी चलेगी घूमेगी, हेवन और आकाश में भी आसमान में भी वो चलेगी घूमेगी और देखेगी, ग्लेड वो खुले स्थानों पे भी जाएगी, बोअर कुंज कुंज यानी बागीचे या वह फील्ड का मैदान जो काफी खूबसूरत और अच्छा होता है उन कुंजों में वो घूमेगी और देखेगी, सेल्फ फील और महसूस करेगी, ओवरसीइंग पावर जो प्रकृति की शक्तियों को देखेगी और महसूस करेगी, जो कैंडल प्रेरित करती है यानी प्रकृति अपने शक्तियों से हर चीजों को देखती है और देखने के बाद हर चीजों को प्रेरित करती है और सभी लोग प्रकृति की शक्तियों को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसी तरह मेरी लूसी भी करेगी और उन शक्तियों को देखेगी, उन भावनाओं को सीखेगी, उन नियमों को सीखेगी और प्लेन में चलेगी, रॉक पे चलेगी, अर्थ में चलेगी, हेवन में आकाश में चलेगी, खुले मैदानों में चलेगी, कुंजों में चलेगी और उन शक्तियों का महसूस करेगी जो प्रकृति के द्वारा शक्तियां हैं, जो कैंडल हमेशा इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं हर किसी को और हमेशा रेस्ट्रेंट रखती हैं यानी नियंत्रित नियंत्रित करना यानी प्रकृति क्या करती है, उन सभी लोगों को दिखाती है अपनी शक्तियों को लेकिन सभी लोगों को अपने शक्तियों के द्वारा नियंत्रित करके रखती है। तो उम्मीद है कि दो स्टेंजा आपको काफी समझ में आया होगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।